नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। और ये एक तस्वीर देखिए आप स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहे हैं मनीष सिसोदिया और उनके साथ एक महिला है जो उनकी बहुत करीबी है, जिनका नाम श्रीशा राव है। आपको मैं इनकी तस्वीर क्यों दिखा रही हूँ, क्यों मैं इनके लिए आपके साथ बात कर रही हूँ, दरअसल इसकी एक कहानी है पूरी। श्रीशा राव आम आदमी पार्टी की नेता है, काफ़ी लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और पार्टी की कोर कमेटी की मेंबर हैं। हरियाणा में जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े तो उनकी ये स्टार प्रचारक थी। श्रीशा राव की तस्वीर MiG-21 से F-16 को मार गिराने वाले अभिनंदन की पत्नी के रूप में भी एक बार वायरल हो गई थी और श्रीशा राव ने आम आदमी पार्टी की विधायक अतिशी मारलेना के लिए भी चुनाव प्रचार किया था। तो दोस्तों, ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब का तो दबाइएगा ही, लाइक का भी बटन दबाइएगा, उसके बाद फिर आप इसको अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे होता है? आम आदमी पार्टी का जन्म होता है एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से। लेकिन अब आप देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये पार्टी आए दिन के घोटालों में फंस करके कीचड़ में धंसती जा रही है, भ्रष्टाचार के कीचड़ में, जिसे साफ करने का दावा अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के दौरान किया था। आज हाल ये है कि केजरीवाल को घोटालेबाज कहा जाने लगा है। इसको देखकर ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने अपने ही बारे में उसी दिन आंदोलन स्थल पे एक भविष्यवाणी कर दी थी कि जब कुर्सी किसी को मिल जाती है तो वो भ्रष्ट भी होने लगता है। तो आज शायद वो दिन आ गया है कि कुर्सी मिल चुकी है और पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में धंसने की ओर जा रही है। पिछले 8 सालों में कभी क्लासरूम घोटाला, कभी विज्ञापन घोटाला, कभी बस घोटाला, ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, कभी इसका घोटाला, ये सब चल रहे थे कि बीच में एक और घोटाला सामने आ गया है, सैनिक स्कूल घोटाला। मैंने इसीलिए श्री शराव की बात की थी आपसे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अगस्त यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही 27 अगस्त 2022 को दिल्ली के झरोदा कला में शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेटरी स्कूल का उद्घाटन किया था। ये दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल है। लेकिन इस स्कूल के खोलने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। केजरीवाल सरकार ने अपनी ही आम आदमी पार्टी की नेता श्रीशा राव को एक कंपनी खुलवा करके ठेका दे दिया और हैरानी की बात यह है कि अभी कंपनी को खुले हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि कंपनी के पास सैनिक स्कूल के प्रबंधन का कोई अनुभव भी नहीं था, फिर भी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मेहरबानी से सरकारी खजाने को लूटने का ठेका उन्हें मिल जाता है। जैसे अच्छा, बीजेपी नेता अमित खरखरी ये कहते हैं कि 15 नवंबर 2021 को श्रीशा राव नई कंपनी साइकोरियन एजुकेशन लिमिटेड बनाती है, जिसका डायरेक्टर राजलक्ष्मी, सतीश गंगा और मनीष जोशी को बनाया गया था। उस समय इस कंपनी के रजिस्टर्ड होने के 1.5 महीने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिना किसी अनुभव के साइकोरियन एजुकेशन लिमिटेड को सेना के लिए तैयारी कराने के स्कूल का संचालन का ठेका दे दिया। यहाँ मैं रोक के आपको बताना चाहूँगी कि जो सैनिक स्कूल, जो प्रिपेटरी स्कूल होते हैं, यहाँ पर सेना के जवान तैयार होते हैं। एक तरह से ये कहना चाहिए कि ये बेहद बेहद सेंसिटिव प्रबंधन होना चाहिए इसका, जो स्कूल के ऊपर पूरी निगाह रख सके। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ
और शीशा को जो है इस स्कूल के संचालन का एक तरह से ठेका दे दिया जाता है। शीशा ने दिल्ली के सभी स्कूलों का दौरा किया और उन्होंने 12 जून 2021 को 14 एकड़ के झरोदा स्कूल की जानकारी दी। इसके बाद सिसोदिया और केजरीवाल सेना भर्ती के लिए दिल्ली NCR में पहला स्कूल खोलने की घोषणा करते हैं। अच्छा, श्री शाह जो हैं आम आदमी पार्टी की नेता हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने जो है प्रचार भी किया है अपनी पार्टी के लिए। श्री शाह राव दरअसल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की बेहद करीबी हैं। उन्होंने सैनिक स्कूल को लेकर के पहली बार 10 फरवरी 2021 को सिसोदिया से मुलाकात की थी। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 फरवरी 2021 को सिसोदिया से मुलाकात की थी, इसके ठीक एक महीने बाद 9 मार्च को 2021 को सिसोदिया ने दिल्ली में पहले सैनिक स्कूल की घोषणा की। 15 जुलाई 2021 को श्री शाह फिर से सिसोदिया से मिलती हैं। इसके बाद अक्टूबर में श्री शाह ने इस सैनिक स्कूल के बारे में जिस तरीके का पोस्ट किया, उससे आप समझ सकते हैं कि श्री शाह को पहले से ही सैनिक स्कूल की जिम्मेदारी मिलने का एहसास था, बल्कि कहिए कि भरोसा था। इसके बाद श्री शाह ने नवंबर में साइकोरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी बनाई और 1.5 महीने के बाद उनको स्कूल का ठेका मिल जाता है। ये घोटाला उजागर हुआ तो ट्विटर पर लोगों ने श्री शाह को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद 19 सितंबर 2022 को श्री शाह ने कुछ समय के लिए अपना अकाउंट जो है लॉक कर दिया। जब श्री शाह ने दोबारा अपने अकाउंट को एक्टिव किया तो लोग उन पर टूट के पड़े। इसी बीच 16 लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया और जब काफ़ी विवाद बढ़ा तो श्री शाह ने अपना ट्विटर हैंडल हमेशा के लिए बंद कर दिया। इवन आप देखिए कि श्री शाह के बारे में गूगल पे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है ये कहा जा रहा है, इस तरीके से श्री शाह घोटाले के आरोप से भागने की कोशिश कर रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंसान को कैसे पता चल जाता है कि वक्त आने के बाद वो बदल भी सकता है। कट्टर ईमानदार और भ्रष्टाचार के कीचड़ को साफ करने का दावा करने वाले केजरीवाल खुद इस समय कीचड़ की दलदल में फंसे हुए हैं। सैनिक स्कूल घोटाले से ये भी उजागर हो रहा है कि केजरीवाल ने खुद अपने बारे में जो एक आशंका व्यक्त की थी, एक उन्हें जो डर था, जो उन्होंने आंदोलन के दौरान कहा था, वो भी अब सच साबित हो रहा है। उन्होंने दरअसल अन्ना आंदोलन के दौरान ये कहा था कि कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ खराबी होती है, जो इस पे बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा तो जो लोग कुर्सी पे जाकर बैठेंगे कहीं वो भी भ्रष्ट ना हो जाए और वो भी गड़बड़ ना करने लगे। अब देखिए अब हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी में। और उसके बाद जब आबकारी मामले में, शराब घोटाले में जब मनीष सिसोदिया फंसते हैं तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं सिसोदिया के लिए कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखाया है, मौजूदा रवायती पार्टियां जो 70 साल से नहीं कर पाई वो उन्होंने 5 साल में करके दिखा दिया, और जिस व्यक्ति ने सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया है उस व्यक्ति पर पार्टी यानी कि वो BJP पे तंज कस रहे हैं कि CBI की रेड कराते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए और उनसे ये पूछना चाहिए कि मनीष जी बैठिए बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है। और अब देखिए मनीष सिसोदिया कैसे शिक्षा को ठीक कर रहे हैं, कैसे घोटालों में फंसे हुए हैं। अब ये जो मैंने आपको सैनिक स्कूल का उदाहरण दिया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है और लोगों को ये जानना चाहिए कि सैनिक स्कूल जो होते हैं वो किस लिए खुलवाए जाते हैं, क्यों खोले जाते हैं। बहुत कम संख्या है देश में सैनिक स्कूलों की जहाँ पर आर्मी में जाने के लिए
प्रिपेयर कराया जाता है स्टूडेंट्स को। और अब दिल्ली में जो ये स्कूल खुला है, आपके सामने सारा मैटर है, आप खुद ही सोचिए कि यहाँ किस तरीके की प्रिपरेशन होगी, किस तरीके से जो है उनको आर्मी के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आप मेरा चैनल देखते रहिए, मैं ये जो सैनिक स्कूल है इससे जुड़े हुए और जो अपडेट होंगे आपको उनसे अपडेट करती रहूँगी। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।